हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे ये वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और आज का पिवट पॉइंट क्या है उसका ऊपर भी बात करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं आज क्रूड ऑयल आप पिवट पॉइंट 3431, फर्स्ट रेजिस्टेंट 3486, सेकेंड रेजिस्टेंट 3536, थर्ड रेजिस्टेंट 3591 एंड फर्स्ट सपोर्ट 3381, सेकेंड सपोर्ट 3326, थर्ड सपोर्ट 3276। तो ये देख सकते हैं 15 मिनट पहले हम डेली चार्ट में देख ले, तो डेली चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी भी। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट किया हुआ है मार्केट, जैसे कल हम बताया था कि क्रूड ऑयल आज 3453 तक जाने वाला है, तो एग्जैक्टली वहाँ तक गया हुआ है। तो आज देखेंगे आज क्रूड ऑयल या जो कल का जो हायर पॉइंट है उसको ब्रेकआउट करेंगे या उसका फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो डेली में आप देख सकते हैं ये कल हाई जो हाई बनाया था आप देखेंगे तो 3481, तो हाई बनाया था। अगर आपको बाय लेना है तो इसका ऊपर ही लेना है बाय, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3453 में, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, राइट। तो सेल लेना है, हम कहाँ पे सेल लेंगे उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम देखें हम 1 आवर में भी देख सकते हैं, 1 आवर में कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जा रहा है और जो 200 मूविंग एवरेज था वो नीचे उसका प्राइस ने अभी ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज अभी भी नीचे की तरफ झुक रहा है। तो मुझे लगता है ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक 1 आवर में अप ट्रेंड लिया नहीं। तो अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में देख सकते हैं मार्केट 150 और 100 मूविंग एवरेज को एक सपोर्टिंग बना के वो ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है आज जो हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला जो 3453 में, तो यहाँ से मार्केट मुझे लगता है थोड़ा नीचे आने का चांसेस है, तो 3462 तक। क्योंकि हम अगर डेली चार्ट में इसको देखें तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड अभी भी है जो रिट्रेसमेंट किया, तो रिट्रेसमेंट जो होता है 50% रिट्रेसमेंट कर लिया फिबोनाची का ये 3453 में, तो यहाँ से मुझे लगता है मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो इसलिए हम 15 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेंगे, लेकिन अगर बाय लेना है तो याद रखिए आप बाय इसका ऊपर में लेना है, जो पहले कल का हाई बनाया था उसका थोड़ा ऊपर में, आपके 10 पॉइंट 20 पॉइंट का ऊपर में आप बाय एंट्री दे सकता है। तो मुझे लगता है ये आज ये जो रेजिस्टेंस लाइन मिला तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देना है, करेक्शन देगा। अगर आपको करेक्शन दिया तो एंटी कहाँ पे करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले मूविंग एवरेज कहाँ से 150 और 50 से बाउंस हुआ है, सॉरी 150 और 100 से बाउंस हुआ है। तो इसलिए आपको वेट करना है, इसको ब्रेकआउट करने दीजिए। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो उसमें आप सेल जा सकते हैं, सेल जा सकता है 3264 के लिए। तो अगर आपको एंटी लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका नीचे में ही एंटी लेना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे देखें अगर परसेंटेज आर मैंने ये सीसीआई यूज करके रखा हुआ है, ये परसेंटेज आर नहीं है, सीसीआई अगर सीसीआई ने कंफर्म किया है जीरो लेवल क्रॉस करके तो नीचे आया है, स्टॉकस्टिक भी कंफर्म कर रहे हैं ये नीचे आने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको सेल लेना है तो इसको ब्रेकआउट करने दीजिए, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बाउंस हुआ था, राइट, ये 20 मूविंग एवरेज को बाउंस किया, बाउंस हुआ, फिर से ये 100 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ। तो सेल लेना है तो इसका नीचे में ही आपको सेल लेना है, अगर इसको इसका नीचे क्लोज हो गया तो आप सेल में जा सकता है, कहाँ तक 3 to 6 ये लेवल से, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।